तो दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ सरकार और आप देख रहे हैं कबड्डी गुरु, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कबड्डी अपडेट्स। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे NYP यानी कि न्यू यंग प्लेयर के बारे में, जो कि वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 के लिए जो भी ऑक्शन है उसका एक नया नियम है। तो चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 जो भी नियमों का डिस्क्रिप्शन में दूंगा हर एक पार्ट में, उस पार्ट का जो पार्ट 1 है वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख के आइए। मैंने उसमें RTM राइट टू मैच नियम के बारे में बताया है। तो दोस्तों, NYP का फुल फॉर्म हो जाता है न्यू यंग प्लेयर्स। तो इसका कुछ नियम ऐसा है कि प्रो कबड्डी में कितने टीमें हैं, 12 टीमें हैं। तो 12 टीमें जो भी, मतलब 12 टीमें हैं, हर एक टीम को 3 ऐसे प्लेयर रिटेन करने ही पड़ेंगे, मतलब अपने टीम में उनको लेना ही पड़ेगा। रिटेन करना मतलब ऑक्शन के पहले ही उनको ले लेना। तो रिटेन करना ही पड़ेगा ऐसे 3 प्लेयर को, जो कि बहुत ही यंग है, न्यू है और उनको एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है। तो ऐसे प्लेयर को वो कैटेगरी सी में से शॉर्टलिस्ट करके अपने टीम में रिटेन कर सकते हैं, जो कि पिछले बार उनके टीम से खेले हुए थे। तो अब मुझे पूछोगे कि एक वीडियो में मैंने बताया कि पुणे यू मुंबा ने किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं किया। तो दोस्तों, उस वीडियो में इलाइट रिटेन प्लेयर के बारे में बताया था मैंने। तो इलाइट प्लेयर लिस्ट में आप रिटेन कर भी सकते हो और नहीं भी सकते हो, तो वो इलाइट प्लेयर है। तो कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, फिर आप कमेंट करोगे मुझे। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, ये न्यू यंग प्लेयर है जो कि 3 प्लेयर को रिटेन करना ही पड़ेगा। यू मुंबा ने अभी तक यह नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पुनरी पल्टन ने 3 न्यू यंग प्लेयर को रिटेन किया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को पहले भी दे चुका हूँ। और बात आती है यू मुंबा की, तो आगे जाके यू मुंबा, UP, जयपुर, जिन्होंने अभी तक किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं किया, उनको 3 ऐसे न्यू यंग प्लेयर रिटेन करने ही पड़ेंगे, जिसकी अपडेट मैं आप सभी के साथ जल्द ही शेयर करूंगा। तो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुनरी पल्टन ने किन 3 न्यू यंग प्लेयरों को रिटेन किया है। तो दोस्तों, पुनरी पल्टन ने मोनू, विकास खत्री और रिंकू नरवाल, इन 3 नए प्लेयरों को अपने न्यू यंग प्लेयर लिस्ट में शामिल किया है दोस्तों, जो ये 3 पहले पिछली बार भी पुनरी पल्टन से खेल चुके हैं। तो दोस्तों, पर्सनली मुझे तो यह नियम बहुत ही अच्छा लगा और इस नियम का एक फ़ायदा होगा, जो भी नए प्लेयर है जिनको मतलब चांस कम मिला है उनको चांस बहुत ज़्यादा मिलेगा। प्रो कबड्डी में 12 टीमें हैं, 3 को 12 से गुण करो तो 36 नए प्लेयरों को चांस मिलेगा दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस बार एम करते हैं 25 लाइक्स के लिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मन में मत रखिए, कमेंट बॉक्स में आके रखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक में, व्हाट्सएप में और अपने कबड्डी के लिए पागल दोस्तों में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उस लाल रंग का जो डिब्बा है सब्सक्राइब बटन उसको दबाइए, उसके पास में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।